स्टूडेंट, आज हम सैनिटरी चार्ट फॉर फैमिली बनाएंगे। उससे पहले क्या क्या चाहिए वो मैं बोल देती हूँ। 3 अलग अलग कलर के सर्कल, बीच में छोटा सर्कल, एक मॉम के लिए, एक डैड के लिए और एक खुद के लिए, मी। ओके, तो सबसे पहले हम मॉम का चार्ट बनाएंगे। बीच वाला सर्कल जितना हमने सीढ़ी होती है उतने साइज का लिया है, और ये बड़ा सा जो सर्कल है वो 10 सेंटीमीटर का लिया है। ओके, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मॉम का। ओके, और उसमें सैनिटरी चार्ट यानी कि रूटीन में हम क्या यूज करते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं, मम्मी कौन सा वर्क करती है, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले वॉटरिंग प्लांट। ओके, उसके बाद लॉन्ड्री यानी ये वॉशिंग मशीन। ओके, उसके बाद लंच, वॉश योर हैंड, ट्रिक्लन और पानी के ड्रॉप्स। वॉश वेजिटेबल, ये सारा जो हमने यहाँ पे चिपकाया उसके सामने ये क्या है, वाटर प्लांट, लॉन्ड्री, लंच, वॉश हैंड्स, वॉश वेजिटेबल्स। ओके, ये सारा उसके सामने हम बाद में नाम लिखेंगे। अब डेट का तो सबसे पहले वेयर अ मास्क गोइंग आउटसाइड। ओके, तो पहले मास्क चिपकाएंगे, उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, उसके बाद वॉश हैंड्स,
उसके बाद स्वीप या मोपिंग। उसके बाद फोल्ड लॉन्ड्री। ओके, ये हमारा डेट का रूटीन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मी यानी कि आपका खुद का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक रीड करते हैं ना। तो उसके बाद क्राफ्ट का टाइम आता है, तो कुछ फ्रेश होने के लिए हम क्राफ्ट करते हैं। उसके बाद प्ले, प्ले टाइम यानी कि हम कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं ज़्यादातर। बॉयज़ को क्रिकेट पसंद होता है तो वो क्रिकेट खेलते हैं। Wash your hand. उसके बाद डिनर। ओके, ये हमारा हाइजीन रूटीन हो गया। इसको यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हाइजीन रूटीन। जो जो काम किया है उसके सामने उसका हम हेडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले वाटर प्लांट्स। फिर लॉन्ड्री। ओके, उसके बाद लंच। उसके बाद वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। वॉश हैंड्स वॉश वेजिटेबल्स। वॉट बिफोर यूज। मोम का फिनिश हुआ, अब डेट का। वेयर मास्क वाइट गोइंग आउटसाइड।
ये ग्रोसरी। शॉपिंग, ओके, कम, होम एंड वॉश हैंड्स। ओके, उसके बाद स्वीप या मोपिंग और फुल लॉन्ड्री। ओके, अब ये डेट का खत्म हुआ। अब मी, आप क्या करते हो? सबसे पहले रीडिंग, क्लीन योर रूम, स्टडी टाइम, क्राफ्ट टाइम, फिर प्ले टाइम। वॉश हैंड्स, डिनर, ये आपका फैमिली चार्ट कंप्लीट हुआ। अब बीच में हम क्या लिखेंगे? हाइजीन रूटीन। हाइजीन रूटीन, ओके स्टूडेंट। आप लोगों को ऐसे चार्ट बना के उसका फोटो खींच के मुझे भेजना है, और कोई भी कलर का थ्रेड लेके इस चार्ट को ऐसे पीछे चिपकाना है और इसको हैंगिंग करके अपने रूम में लगाना है। ओके, चलो, ये आपका फैमिली चार्ट रेडी हो गया है। आप लोग ऐसा चार्ट बना के मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे फोटो भेजना।